तो दोस्तों नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा आप सबका चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं यूपीपीसीएस यानी कि बेहद ही प्रतिष्ठित जॉब जिसकी तलाश में हर कैंडिडेट का अपना एक सपना होता है। दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे क्लासेस को आपने अच्छे से समझा है तो निश्चित है कि आप यूपीपीसीएस क्वालिफाई करेंगे और प्रतिष्ठित जॉब करने वाले हैं आप। तो इन चीज़ों को समझते हुए आते हैं कि ये बताने के लिए कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉपिक को कंसीडर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपको पता ही है कि जीएस में अगर बात करें, जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें, तो प्रीलिम्स में आपका विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल हमेशा से पेपर में आते रहते हैं और ये थोड़ा सा कठिन विषय भी हो जाता है क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका साइंस सिलेबस नहीं होता और उनके लिए सरल रहता है जिनका सिलेबस साइंस होता है। इसलिए मैं आपको जो कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करूँगा ऐसे छात्रों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा या ऐसे छात्रों को बड़ी सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा जिनका सिलेबस जो था यानी कि जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं था। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम में सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जहां से मैक्सिमम सवाल आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते रहे हैं समय समय पर। दोस्तों जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर दो सिलेबस, एक है विज्ञान और दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दो सिलेबस से सवाल अक्सर पेपर में पूछा जाता रहा है। आज का जो मेरा वीडियो होगा उस वीडियो के माध्यम से आज मैं पहले आपको साइंस के बारे में जानकारी दूंगा, फिर आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं विज्ञान के बारे में, आते हैं सबसे पहले उस टॉपिक पर जहां से मैक्सिमम सवाल हमेशा से आयोग पूछता रहा है, आयोग का पसंदीदा सिलेबस जहां से मैक्सिमम सवाल हर बार पेपर में आता है। दोस्तों अगर मैं इस साइंस में विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान की जनरली तीन शाखाएं होती हैं, एक होता है जीव विज्ञान, दूसरा होता है भौतिक विज्ञान और तीसरा होता है रसायन विज्ञान। आज मैं जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करूंगा और जो मैक्सिमम सवाल हमेशा से आयोग के द्वारा पूछा जाता है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसका नाम है मानव शरीर शास्त्र से सवाल पूछा जाता है। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है आपका पोषण तथा पाचन तंत्र जिसे न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम। पांचवा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। छठवां टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और सातवां टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र। दोस्तों अगर आप लिख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, बाकी मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं जस्ट अभी पेज बदलूंगा फिर इसके आगे के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। अब उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। नेक्स्ट बात करें तो आठवां है प्रजनन तंत्र जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है और नौवां है कंकाल तंत्र जिसे स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है और दसवां है पेशीय तंत्र जिसे मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों इतने टॉपिक, ये 10 टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं जो कि प्रीलिम्स में आप में मैक्सिमम सवाल यहीं से आते रहे हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको भी इसका अनुभव जरूर होगा। बात करेंगे अपने पहले, जैसे कि 10 सिस्टम के बारे में आपको मैंने बताया है, आज मैं आपको पहले सिस्टम के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है पोषण तथा पाचन तंत्र। तो दोस्तों आती है पोषण तथा पाचन तंत्र के बारे में, आप एक आर्टिकल बनाइएगा पोषण
तथा पाचन तंत्र, इसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसे कि चैप्टर का नाम सुनकर के लग रहा है कि यहाँ पर आपको दो आर्टिकल को पढ़ना है, एक है पोषण और दूसरा है पाचन तंत्र। पोषण जिसे बोला जाता है इंग्लिश में न्यूट्रिशन, और पाचन तंत्र जिसे बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। बात करेंगे सबसे पहले पोषण के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या है। तो यहां पर समझिएगा, वह प्रक्रिया, ये जो पोषण होता है, यह दो शब्दों के लिए यूज किया जाता है। पहला, इसके बारे में समझिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोज्य पदार्थ यानी कि फूड पार्टिकल का निर्माण करते हैं अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उसे बोला जाता है पोषण। यहाँ पर बातों को सावधानी से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मैं दावा कर सकता हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक एक टॉपिक अगर आपने अच्छे से क्लास को देख लिया है तो उन सारे टॉपिक को आपको केवल और केवल लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे आंसर आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पोषण के बारे में मैंने आपको बताया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे ही बोला जाता है पोषण। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि यहाँ पर मैंने कुछ इसको ऐसे कैसे बता दिया कि भोज्य पदार्थ को निर्माण करना अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना ये पोषण कहलाता है। एग्जैक्टली, अगर इस पृथ्वी पर मैं जीव की बात करूँ, सजीवों की बात किया जाए, तो इस पृथ्वी पर सजीव दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है। इस पृथ्वी पर एक सजीव होता है जिसे बोला जाता है जंतु, और एक दूसरा सजीव होता है जिसे बोला जाता है वनस्पति यानी कि पौधा। ध्यान दीजिएगा कि जंतु एक ऐसा सजीव होता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, जंतु एक ऐसा सजीव होता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता, जबकि वनस्पति एक ऐसा सजीव होता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो लिखा है ना कि भोज्य पदार्थ का निर्माण करना अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना, उसी पोषण कहा जाता है। तो पौधा एक ऐसा सजीव होता है जो अपने भोजन का निर्माण करता है, जबकि जंतु एक ऐसा सजीव होता है जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को जंतु क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए मैंने यहां पर पोषण को दो शब्दों से रिलेट करके समझाने का प्रयास किया है कि पौधा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा और जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लेगा। अब आपके मन में अगर ये प्रश्न आया है कि पौधा क्यों अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है और जंतु क्यों अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता, क्यों जंतुओं को ग्रहण करना पड़ता है पौधों से, तो उसका उत्तर यह है कि पौधों के पास हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और पौधा क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को ट्रैप करता है, और सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज का निर्माण स्वयं हो जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि पौधा ने अपने ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं कर लिया, क्योंकि पौधों के पास क्या है, क्लोरोफिल है। जंतुओं के केस में अगर बात करें तो जंतुओं के पास तो क्लोरोफिल होता नहीं है, इसलिए ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अगर ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, अर्थात ये अपने भोजन का निर्माण भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इस आधार पर अगर बात करें इस पोषण की, तो ये जो पोषण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे बोला जाता है स्वपोषण,
और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है परपोषण। ये पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे बोलते हैं स्वपोषण और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है परपोषण। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि परपोषण को बोला जाता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषण किसमें होता है तो अभी मैंने आपको बताया पौधों में, और परपोषण किसमें होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि जंतुओं में होता है। कहने का मतलब यह है कि एक लाइन में पौधा अपना भोजन खुद बनाता है और जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन अब यहां पर अगर थोड़ा सा हम डीपली अध्ययन करें तो एक लाइन में मैंने आपको बताया कि पौधा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा, जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करेगा। अब ध्यान दीजिए कि ये जंतु पौधों से भोजन को ग्रहण तो करेगा लेकिन ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ जंतु ऐसी होती हैं जो पौधों से प्रत्यक्ष रूप में भोजन को ग्रहण करेंगे, कुछ जंतु ऐसी होती हैं जो पौधों से अप्रत्यक्ष रूप में भोजन को ग्रहण करेंगे, और कुछ जंतु ऐसी होती हैं जो पौधों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं। इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर डायग्राम बना करके समझाऊंगा और इसको मैं मिटाऊंगा। उम्मीद है कि आपने इसको लिखा होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, मैंने कहा कि पौधा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है क्योंकि पौधों के पास क्लोरोफिल होता है, जबकि जंतु पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। अर्थात जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता क्योंकि जंतुओं के पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये यहां तक आपने समझा है। अब आगे समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है कोई पौधा, ऐसे समझते हैं ये है कोई पौधा, इसको मैंने ग्रीन कलर से बना दिया है। पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपको पता होगा, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमेटा कहते हैं। ये है पौधे का जड़। जड़ का कार्य होता है कि ये मृदा से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से देखिए पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा। तो जब यहां से वाटर और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पत्तियों के पास आएगा तो केमिकल रिएक्शन होती है, अर्थात फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज का निर्माण, भोजन का निर्माण स्वयं हो जाता है। इसलिए इस पौधे को बोला जाता है उत्पादक या इसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक या इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। अब ये पौधा फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज को अपने पास स्टोर करके रखा है। कभी कभी एग्जाम में सवाल ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करके रखता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह पौधा जो होता है वो इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में सुरक्षित करके रखा है, स्टार्च के रूप में। अब मैंने कहा कि पौधे ने बकायदा ग्लूकोज का निर्माण किया हुआ है, अब जंतु को क्या करना है कि इस पौधे को, पौधे से ग्लूकोज को ग्रहण करना है। तो एक जंतु है जिसका नाम है खरगोश, खरगोश या हिरन कुछ भी, खरगोश ने क्या किया कि सीधा सीधा इस पौधे को खा लिया और खरगोश पौधे से प्रत्यक्ष रूप में ग्लूकोज को ग्रहण किया है, डायरेक्ट पौधे को खा लिया है। इसलिए खरगोश को बोला जाता है शाकाहारी जीव, इंग्लिश में इसे बोला जाता है हर्बीवोरस कहा जाता है।
इस तरीके से। ये है पहला तरीका जंतुओं का ग्रहण करने का। अब पता चला कि ये स्टार्च जो था वो खरगोश के पास आया और खरगोश इसे, यानी कि जंतु जो होता है वो इस भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अब ये ग्लूकोज जो था, यानी ये जो भोजन जो था वो खरगोश के पास आया, खरगोश थोड़ा बहुत उस भोजन की सहायता से एंजॉय कर रहा था, तभी इस खरगोश को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि शेर भी पौधों से ही तो भोजन प्राप्त किया है, क्योंकि ओवरऑल ये भोजन कहां से चला है, पौधों के तरफ से चला है। लेकिन दोनों का तरीका देखे अलग है। खरगोश ने पौधों से प्रत्यक्ष रूप में भोजन को प्राप्त किया, जबकि शेर ने पौधों से अप्रत्यक्ष रूप में भोजन को प्राप्त किया, इनडायरेक्टली प्राप्त किया, क्योंकि शेर और पौधे के बीच में कौन आ गया है, खरगोश आ गया है। इसलिए शेर को बोला जाता है मांसाहारी जीव, या इसे बोला जाता है कार्निवोरस इंग्लिश। लेकिन एक तीसरे टाइप का जंतु है, एक तीसरे प्रकार का जीव है जिसे मनुष्य कहा जाता है। यह मनुष्य करता क्या है कि सीधा सीधा पौधे को खा सकता है और खरगोश को भी खा सकता है, यानी कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में ग्लूकोज को ग्रहण कर सकता है। इसलिए इसे बोला जाता है सर्वाहारी जीव, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है ओमनीवोरस एनिमल। इस तरीके से ये तीन प्रकार का परपोषण हो गया। एक हो गया जिसे बोला जाता है शाकाहारी, जो पौधों से प्रत्यक्ष रूप में ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं। दूसरी होती है मांसाहारी, जो पौधों से अप्रत्यक्ष रूप में ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं। और तीसरी होती है सर्वाहारी, जो पौधों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा कि स्वपोषण पौधों में हुआ है और परपोषण जंतुओं में हुआ है, और इस आधार पर परपोषण को मैंने ये तीन वर्गों में विभाजित कर दिया। परपोषण यानी कि पौधों से भोजन को प्राप्त करना है, लेकिन कुछ डायरेक्ट प्राप्त करेंगे तो उसे शाकाहारी, कुछ इनडायरेक्ट प्राप्त करेंगे तो उसे मांसाहारी, कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूपों में प्राप्त करेंगे तो उसे बोला जाएगा सर्वाहारी। लेकिन क्या आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि शाकाहारी किसे कहते हैं, या मांसाहारी किसे कहते हैं, या सर्वाहारी किसे कहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं? नहीं आता, क्योंकि ये सीजी तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो कि शाकाहारी वे हैं जो पौधों को खाते हैं, मांसाहारी वे हैं जो मांस को खाते हैं, सर्वाहारी वे हैं जो पौधों और मांस दोनों को खाते हैं। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि यहां पर कुछ डिफरेंट टाइप की चीजें एग्जाम में पूछता है। जैसे जंतुओं की कुछ और वैरायटीज होती हैं, कुछ जंतु ऐसे भी होती हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, कुछ जंतु ऐसे भी होती हैं जैसे केंचुआ, ये देखिए केंचुआ है, जैसे दीमक है। केंचुआ और दीमक कहां से भोजन को प्राप्त करती हैं? तो केंचुआ और दीमक जो होती हैं ये मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाए? तो ये मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए साइंस की लैंग्वेज में इन्हें अपर्दाहारी, ये एकदम पॉइंट को याद करके रखिएगा, अपर्दाहारी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डेट्रिटीवोरस, अपर्दाहारी कहा जाता है। ये है एक चौथा वैरायटी। पांचवा वैरायटी देखते हैं। पांचवा वैरायटी में देखिए, जैसे कुछ जंतु ऐसे होती हैं जैसे सांप है, जैसे बिच्छू है। सांप और बिच्छू क्या करते हैं कि अपनी ही प्रजाति के अन्य छोटे जंतुओं को खा लेते हैं, अपने ही प्रजाति के अन्य छोटे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। जैसे सांप अपने से छोटे सांप को, बिच्छू अपने ही अंडे को या दूसरे बिच्छुओं के अंडे को खा लेता है, तो उसे कहा, क्या कहा जाए
तो उसी बोला जाता है कैनिबल्स, इंग्लिश में भी इसे कैनिबल्स ही कहा जाता है। अब देखिए छठवां वैरायटी, जैसे मादा मच्छर फीमेल मॉस्किटो या जोंक है लीच जिसे कहा जाता है, ये रुधिर को चूसती हैं यानी कि रुधिर पर निर्भर होती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाए? इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है रुधिरा हारी, इंग्लिश में इन्हें संघवी वोरस कहा जाता है। अब देखिए कुछ जंतु ऐसे भी होती हैं जैसे खरगोश है, जैसे सुअर है यानी पिग, ये लोग भोजन मल से प्राप्त करते हैं। अब आप सोच रहे हैं खरगोश कैसे मल से प्राप्त करता है, तो ये सुअर जो होता है वो दूसरे जंतुओं के मल को खाता है, लेकिन खरगोश जो होता है वो अपने ही मल को खा लेता है, क्योंकि खरगोश का आहार नाल एक बार में सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। याद रखिए सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता, इसलिए खरगोश अपने भोजन को पूरी तरीके से पचाने के लिए अपने मल को पुनः खा लेता है। और यह घटना या यह प्रक्रिया कापरोफैगी कहलाती है। कापरोफैगी कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, आठवां और सबसे ज्यादा बार पेपर में आया हुआ प्रश्न, आठवां प्रश्न है, जैसे जीवाणु या जैसे कवक यानी कि फंगस, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग सड़े गले मृत जंतु या पौधों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी या इंग्लिश में इन्हें सैप्रोजोइक या इसे इंग्लिश में सैप्रोफिटिक या इन्हें डी कंपोजर्स हिंदी में अपघटक कहा जाता है, इस तरीके से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं और एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं ये, इस तरीके से। कुछ लोगों को इस पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत आई होगी कि इतना नाम इसका कैसे पड़ गया है, मृतोपजीवी को सैप्रोजोइक कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं, तो ये तीनों नाम एक ही हैं, बस दोनों में यहां पर थोड़ा सा फर्क समझने का प्रयास करिएगा। सैप्रोजोइक और सैप्रोफिटिक में अंतर समझिएगा। मैंने क्या कहा कि ये जो जीवाणु होता है ये मृत जंतु के शरीर को भी डीकंपोज करता है और पौधे के शरीर को भी डीकंपोज करता है, यानी कि जीवाणु जंतुओं के मृत शरीर को डीकंपोज कर देता है और पौधों के मृत शरीर को डीकंपोज कर देता है। तो यही थोड़ा सा फर्क ये है कि जब जीवाणु जंतुओं के शरीर को डीकंपोज करता है तो उसे बोला जाता है सैप्रोजोइक, और जब वही जीवाणु पौधों के शरीर को डीकंपोज करता है तो उसे बोला जाता है सैप्रोफिटिक। ये है दोनों में अंतर, यानी कि जब जंतुओं के शरीर को डीकंपोज करेगा तो सैप्रोजोइक, जब पौधों के शरीर को डीकंपोज करेगा तो सैप्रोफिटिक कहा जाता है। तो दोस्तों इस पहले वीडियो में आपने पोषण समझा है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण का मतलब हमने भोजन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया हमने यानी जंतुओं ने, और कहां से ग्रहण कर लिया, पौधों से ग्रहण कर लिया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।